मित्र अब वापस चलें, मुझे आपके महादेव को ढूंढने जाना है। मत जाइए ढूंढने मित्र। क्यों मित्र? क्योंकि आप उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे, आपका प्रयास व्यर्थ जाएगा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कारण है मित्र। बताइए। वस्तुतः आप मेरे महादेव को बहुत कम जानते हैं, आप ये नहीं जानते कि उन्हें ढूंढा नहीं जा सकता, वे स्वयं मिलते हैं। अर्थात? अर्थात जब उनकी इच्छा होगी वो स्वयं सामने आ जाएंगे। परंतु आपने तो उन्हें ढूंढा था सती के रूप में, फिर मैं उन्हें क्यों नहीं ढूंढ सकता? आपने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं दे दिया मित्र, यही सत्य है। यदि उन्हें ढूंढकर कोई वापस ला सकता है तो केवल मैं ला सकती हूं। ठीक है, आपने मित्र होने का दायित्व निभाया, दारुका से मेरी मुक्ति के लिए इतना कुछ किया, यही मेरे लिए बहुत है। धन्यवाद मित्र। चलिए अब चलते हैं, आपकी माता चिंतित होंगी। मुझे शीघ्र ही इस कल्प वृक्ष को सुरक्षित लेकर स्वर्ग पहुंचाना होगा। तारकासुर ने कल्प वृक्ष को प्राप्त करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया है। मुझे उसके आक्रमण से बचकर शीघ्र स्वर्ग तक पहुंचना होगा। कल्प वृक्ष संकट में है, बस कुछ ही क्षणों में तेरा संतुलन बिगड़ेगा इंद्र, और तेरा यान और ये कल्प वृक्ष मेरे बनाए हुए चक्रव्यूह में आ गिरेंगे, और कल्प वृक्ष पे मेरा अधिकार हो जाएगा। चक्रव्यूह में गिरने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। मैं विजयी हो गया।
असुरों का चक्रव्यूह कल्पवृक्ष को अपनी ओर खींच रहा है। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा, नहीं तो यदि कल्पवृक्ष चक्रव्यूह में समा गया तो उस पर सदा सदा के लिए असुरों का अधिकार हो जाएगा। बहन, ये अनर्थ तो केवल महादेवी रोक। बालशिव कहाँ चले गए? अब क्या होगा? चिंता मत करो बहन, महादेव अवश्य कल्पवृक्ष की रक्षा करने के लिए गए हैं और स्वर्ग से वही तो उसे लेकर आए हैं, इसीलिए उसकी रक्षा करने का दायित्व भी उन्हीं का है। ये नहीं कर सकता बालचंद। शिव, यदि कल्पवृक्ष असुरों का नहीं हुआ तो मैं इसे किसी और का होने नहीं दूंगा, नष्ट कर दूंगा इसे। उसने कल्प वृक्ष को क्षतिग्रस्त, तो अंततः कल्प वृक्ष को नष्ट कर दिया मैंने। ये क्या, अग्निपिंड के प्रहार से कल्पवृक्ष तो क्षतिग्रस्त हो गया। कल्पवृक्ष का क्षतिग्रस्त होना अमंगलकारी है। संसार पर कोई बड़ा संकट आने का संकेत है ये। त्रिदेव की अनुपस्थिति में ये संसार इस संकट का सामना कैसे करेगा? कल्पवृक्ष, मुझे दुख, मैं आपको हताहत होने से बचा नहीं पाए। दुखी ना हो प्रभु, मैं अपनी क्षति को दूर करने का प्रयास करूंगा, बस आप मुझे शीघ्र मेरे स्थान पर पहुंचा दें।
महाराज है, किंतु इस बार ये पराजय प्रतिशोध की ज्वाला बनेगी पार्षद, जिसमें तू चलेगा। कोई शक्ति तुझे नहीं बचा पाएगी, ना तेरे स्वयं की शक्ति, ना तेरे उस मित्र आदि शक्ति पार्वती की शक्ति। कोई नहीं बचा पाएगा तुझे। कल्पवृक्ष, आप अपने स्थान पर स्थापित हो जाइए। कल्प वृक्ष को वापस स्वर्ग लोक में लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दायित्व का बोध और उस दायित्व का निष्ठा पूर्वक निर्वहन संसार में सर्वत्र सुख और सुव्यवस्था का अमोघ मंत्र है देवराज। कल्प वृक्ष को मैं लेकर गया था तो उसको यथा स्थान पर पहुंचाना भी मेरा दायित्व था। उसी का निर्वहन किया मैंने देवराज, अब आज्ञा चाहूंगा। अपनी माँ को बिना बताए कहाँ चला गया था तू? आवश्यक कार्य से माँ। नहीं पता था कि मेरा शेर कब इतना बड़ा हो गया कि माँ को बिना बताए केवल एक पत्र लिखकर चला गया। मैं बड़ा हो जाऊंगा तब भी आपका पालक ही रहूंगा। अरे ये बता, तूने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तेरे चले जाने से तेरी माँ के हृदय पर क्या बीतेगी? क्षमा कीजिए माँ, कभी कभी उत्तरदायित्व का हर संबंध हर भावनाओं से बड़ा हो जाता है। समझ सकती हूँ, तू निश्चित ही कोई बहुत बड़ी समस्या के समाधान हेतु गया होगा। देवी पार्वती, क्या हम बीती बातों को भुलाकर पहले की तरह एक साथ नहीं रह सकते? इसी घर में घर का बार बार बदलना बहुत कष्टदायी होता है देवी अनुसूया।
एक स्थान पर रहते रहते व्यक्ति उस स्थान से भावनात्मक स्तर से जुड़ जाता है, वैसी स्थिति में स्थान बदलने से भावना आहत होती है। इसलिए मैं अपने घर पर ही रहना चाहूंगी। पता है माता, आज मित्र शिव ने क्या किया? क्या किया? स्वर्ग से अकेले कल्प वृक्ष लेकर आया। कल्प वृक्ष? कल्प वृक्ष क्यों लेकर आया? पड़ोसन मित्र को वरदान के बंधन से मुक्त कराने के लिए माता, परंतु दारुका उसे संभाल ना पाई, इसलिए शिव ने उसे वापस इंद्रदेव को दे दिया स्वर्ग ले जाने के लिए। अच्छा किया, क्योंकि कल्प वृक्ष केवल स्वर्ग में ही सुरक्षित रह सकता है। अच्छा हुआ कि मेरे शिव ने संकट को टाल दिया। देवी अनुसुईया, संकट अभी टला नहीं है। वृक्ष की अवस्था को देख के सिद्ध हो रहा कि वे स्वयं को स्वस्थ कर पाने में असमर्थ है। किंतु अब यदि कल्पवृक्ष नष्ट हो गया तो क्या संसार भी नष्ट हो जाएगा? देवराज, नष्ट होने का आरंभ हो चुका है। संकट के आगमन का संकेत है ये, आरंभ तो अभी शेष है। कल्पवृक्ष के आघात का प्रभाव संसार के समस्त शक्तियों पर धीरे धीरे पड़ेगा। देवी अनुसुईया, धीरे धीरे संपूर्ण प्रकृति उस क्षति के प्रभाव से संक्रमित हो जाएगी। ब्रह्मांड को ध्यान से देखिए, सूर्य चंद्र नक्षत्र सब अपना प्रकाश क्यों खो रहे? देवराज, यही प्रलय का आरंभ है। तब संसार महाप्रलय की स्थिति की ओर चला जाएगा और इस संकट से मुक्त होने का अब कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि त्रिदेव की अनुपस्थिति में इस महाप्रलय की स्थिति को रोकने की क्षमता किसी में भी नहीं। कल्पवृक्ष पर आधार हम असुरों के लिए भी विनाशकारी सिद्ध हुआ तारका, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा माता, हम सुरक्षित रहेंगे। मेरा बनाया हुआ चक्रव्यूह हमें सुरक्षित रखेगा। कैसे तारका? प्रलय में तो सारा संसार समाप्त हो जाएगा, तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? माता, ये चक्रव्यूह हमें संसार से दूर करके हमारी रक्षा करेगा। माता, शीघ्रता करिए, अन्यथा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इस संकट को दूर करने का मात्र एक ही उपाय है, क्या उपाय है? 10 महाविद्याएं। संसार को संकट से बचाने के लिए उन 10 महाविद्याओं को जागृत करना होगा। उनके जागृत होते ही प्रकृति सुरक्षित हो जाएगी और विनिष्ट का संकट समाप्त हो जाएगा। किंतु देवी, ये 10 महाविद्याएं तो आदि शक्ति का ही स्वरूप है, इसलिए स्वाभाविक है कि इन्हें जागृत भी आदि शक्ति ही कर सकती है, अर्थात स्वयं साक्षात देवी पार्वती इन्हें जागृत कर सकती है। ये सत्य है ऋषिवर, परंतु ऐसा करना उनके लिए शिव के सानिध्य के बिना संभव नहीं है, क्योंकि 10 महाविद्याओं का शिव के 10 स्वरूपों से मिलकर ही पूर्ण होता है।
इसलिए 10 महाविद्याओं को जागृत करने के लिए 10 सिद्ध शक्तिपीठों पर जाना होगा और एक एक करके 10 महाविद्याओं को जागृत करना होगा। और ये तभी संभव है जब शिव और पार्वती दोनों साथ साथ उन सिद्ध शक्तिपीठों पर जाएं। देवी अनुसुईया, क्या आप अपने शिव को संसार के कल्याण हेतु बहन पार्वती के साथ जाने की अनुमति देंगी?